सो गाइस अभी एक बंदा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि बस को ऊपर से बुलेट चला के लेके जा रहा है और ये काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये है वो बंदा जो कि आप लोग देख पा रहोगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो एचडी के मोटर, आपको स्वागत है। तो कैसे आप लोग, होप करता हूं आप लोग ठीक होना। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी तगड़ा और धांसू होने लगा क्योंकि आज हम चला रहे हैं बस का ऊपर में बुलेट, वो भी मॉडिफाई बुलेट, कोई सिंपल बुलेट नहीं। तो आप लोगों को भी मैं सिखाता हूँ 2 मिनट में कि आप कैसे कर सकते हो कि बस का ऊपर से आप बुलेट भी चला सकते हो, स्प्लेंडर भी चला सकते हो, बस बड़ा गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि बस का ऊपर बड़ा गाड़ी संभाल नहीं पाएगा। तो बुलेट चलाना है तो 2 मिनट में सीख लो मेरे से, अगर आपको भी बुलेट चलाना हो तो। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी धांसू और कमाल का होने वाला क्योंकि आज बताने वाला हुआ यार काफ़ी सारा चीज़ है जो मेरे दिमाग के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आज जो ये मैं बाबा बन के बैठा हुआ ना बस के ऊपर, तो गाइस अभी मैं बस के ऊपर से गिर गया डायरेक्ट फॉर्च्यूनर में। गेस करो एक बार, ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर है या फिर फॉर्च्यूनर है या फिर 0008 है, कौन सा फॉर्च्यूनर है जल्दी गेस करो और मैं रिवील करने वाला हूँ। जल्दी गेस करो गाइस कौन सा फॉर्च्यूनर है। तो फॉर्च्यूनर आज कोई नहीं, फॉर्च्यूनर आज अपने दम पे मैंने बनाया है ये फॉर्च्यूनर जो कि आप लोग देख पा रहोगे। तो कैसे लग रहा है यार, ऐसे तो नहीं लग रहा जैसे गोबर उबर लिप दिया हूँ फॉर्च्यूनर के ऊपर या फिर घास उस चिपका दिया हूँ फॉर्च्यूनर के ऊपर, वैसे तो नहीं लग रहा है ना, तगड़ा ही लग रहा है ना। तो दिक्कत नहीं लेने का। तो गाइस आज फॉर्च्यूनर को हमने कुछ अलग ही कलर किया है, यानी कि घास कलर, घास यानी कि जैसे पत्ती कलर। तो गाइस कैसे लग रहा है हमारा पत्ती वाला फॉर्च्यूनर, यानी कि जो पेड़ का पत्ती होता है ना वो कलर हमने कर रखा है अपना फॉर्च्यूनर को। कैसे लग रहा है ये देख लो, सामने से देख लो, आँख झुका के देख लो आँख को और ये चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को फॉर्च्यूनर का कि ड्रिप मार रहा हूँ और फॉर्च्यूनर में ड्रिप बजेगा तो धांसू ही बजेगा। और उसके बाद में मैं दिखाने वाला आपको फॉर्च्यूनर और आप सबका प्यारा, हमारा प्यारा, सबका जिंदेबाद जो मैंने बोला था ना 2 मिनट में करके दिखाऊंगा। अभी देखो 1 2 गो, पहले फॉर्च्यूनर देख लो उसके बाद में अच्छा से देख लो फॉर्च्यूनर। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ टायर, तो ये टायर थोड़े बाहर आ रहे हैं और हाइट भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ फॉर्च्यूनर का क्योंकि टायर लग जाएगा यार। तो हाइट बढ़ चुका है थोड़ा सा फॉर्च्यूनर का अपना देख पाओगे जो कि काफ़ी तगड़ा लगने वाला है और आपको भी लगेगा। ये देख लो ये भाई साहब काफ़ी ऊंचा लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे टायर दोनों चिपक जा रहा है ना, सबको ऐसे ही लगता है गाइस, मेरे को भी पर्सनली वैसे ही लग रहा है। बाकी घास उससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है या नहीं उसको जरूर बताना गाइस। ओ भाई साहब ये मस्त लग रहा है यार। वैसे पीछे से एक दिक्कत है, नंबर नहीं है यार, अगर नंबर डालने का ऑप्शन दे दो तो मज़ा ही आ जाएगा आदमी को। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बाप का फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, मेरे को तो खुद वैसे ही लग रहा है अभी जब चला रहा हूँ, तो गेमिंग में चला रहा हूँ बट रियल में लगता है कि मेरा बाप का फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ। ओ भाई साहब कभी चलाएंगे खुद का कमाई से। अरे ड्रिप तो मस्त मार रहा है आदमी। ओ भाई साहब अभी आपको मैं पार्किंग करके दिखाता हूँ गाइस कि पार्किंग कैसे करते हैं। तो पार्किंग ऐसे करना चाहिए गाइस अपना घर में। एक चीज बताने वाला हूँ कि स्प्लेंडर में व्हीली कैसे मारते हैं, तो आप लोग सुना ही होगा स्प्लेंडर में तो कोई व्हीली मार नहीं सकता इसमें पार थोड़ा कम होता है, हाँ लेकिन धमाल मचाने में इसको इससे आगे कोई बाइक नहीं है, चाहे उसके आगे छपरी वाला केटीएम ही ना आ जाए। यार इतना केटीएम बदनाम क्यों है, मैं भी सोच रहा हूँ केटीएम लूँगा लेकिन तुम लोग बदनाम कर रखे हो यार। तो गाइस आप लोग ये क्यों बदनाम कर रखे हो KTM छपरी लोगों का है, क्योंकि मैं पर्सनली KTM का बहुत बड़ा फैन हूँ, KTM 250 का। तो आप लोग तो बदनाम कर रहे हो यार छपरी बोल के, तो मैं भी सोच रहा हूँ कहीं स्प्लेंडर ना ले लूँ। बाकी आप लोग राय जरूर देना अगर देख रहे हो तो। बाकी ये बुलेट अभी मैं बताता हूँ गाइस, मैं जो आप लोगों को बताने वाला था ना कि 2 मिनट में आप बस का ऊपर कैसे चढ़ सकते हो, तो अभी मैं बताने वाला हूँ व्हीली मार के कि आप कैसे चढ़ सकते हो बस में वो भी 2 मिनट में 1 2 गो। तो अभी व्हीली मारते हुए मैं जा रहा हूँ, वो तो ट्रेलर था, ये नहीं है ट्रेलर, ये रियल है। तो अभी देखना जब आपको बस का ऊपर चढ़ना है तो क्या करना है,
गौर से देखना, कहीं छूट मत जाना, छूट जाए तो ब्रेक करके देख लेना। तो इसे चढ़ते हैं बस का ऊपर, देख देख।